भाई अगर आपने अभी तक SBI बैंक में ईमेल आईडी ऐड नहीं की है तो आप घर बैठे किस प्रकार से कर सकते हैं आज के स्टूडियो में आपको यही बताऊंगा, तो बने रहा आप इस वीडियो के साथ में। तो गाइस सबसे पहले आपको योनो SBI में आ जाना है। तो इसमें किस प्रकार से लॉगिन किया जाता है फर्स्ट टाइम, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस प्रकार से आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देख लेना। सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। पहले लिस्ट भी बना रखी है तो उस वीडियो को देख लेना। तो यहाँ पर मैं MPIN डालकर इसमें लॉगिन हो जाता हूँ। अगर यहाँ पर मैंने MPIN डाल दिया जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसके बाद हम थ्री लाइन पर क्लिक करना लेफ्ट साइड में, और नीचे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हम प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो इस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल्स मुझको शो हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर शो हो रहा है, पैन कार्ड शो हो रहा है, ठीक है, अगर आपने लिंक किए होंगे तो। और यहाँ पर ईमेल आईडी का भी शो नहीं हो रही है, इसे मैंने ऐड नहीं कर रखी, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो पेंसिल वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इंटरनेट बैंकिंग प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पर डाल। अगर आपको नहीं पता प्रोफाइल पासवर्ड भूल चुके हैं तो लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। उसके बाद हम सबमिट पर यहाँ पर क्लिक कर देना प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद में। तो यहाँ पर मैं इसमें डाल देता हूँ, और गाइस उसके बाद यहाँ पर आपको जो ईमेल आईडी इसमें यहाँ पर डालनी है, री एंटर अपना आप ऑटोमेटिक हो जाएगी जैसे आप डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जो बैंक अकाउंट में लिंक है वो OTP जाएगा उस मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ पर OTP डालना है, उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं डाल दिया OTP और यहाँ पर सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यूर ईमेल आईडी हैज बीन सक्सेसफुली एडेड अपडेटेड, यहाँ पर हो चुकी जैसे देख सकते हैं, ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्या यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी मुझको शो हो रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी मुझको शो हो रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या बिल्कुल मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। अगर आपको योनो SBI में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही, नहीं तो लॉगिन कर पा रहे हैं, नहीं OTP की प्रॉब्लम है, तो किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दिया है। अगर फिर भी आपको कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर आप स्क्रीनशॉट भेज देना, वहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। तो वीडियो करना लाइक और शेयर करना सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।